अब बस करो, अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। पति बेचारा सोचता है इतनी देर से क्या हो रहा था, 2 घंटे खूब लेक्चर सुना लेंगे, बाद में कहेंगे अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। पति बेचारा उसी समय सोचता है। तो ये 2 बातें हर मैया अवश्य कही। अच्छा भैया, कहती हो कि नहीं कहते? हाँ कहती हैं। तो देखो, ऐसा भाव दर्शाया, ऋषि कदम तप कर रहे हैं और तप करते करते ठाकुर जी ने सोचा चलो इनकी मनोच्छा पूरी कर ही देते। ठाकुर जी प्रगट हुए और प्रगट होकर के अब बोले कि ऋषि कर्दम मांगिए, आपको क्या मांगना है। ऋषि कर्दम उसी क्षण देखते मन में सोचते प्रभु के आगे कैसे कहे कि पत्नी के लिए तप किया, कहने में तो शर्म लगती है, ठाकुर जी क्या सोचेंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए। ऋषि कर्दम से ठाकुर जी बोले अरे आपको कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपका रिश्ता स्वयंभू मनु की बीच की पुत्री के साथ तय कराए। ऋषि कर्दम बोले महाराज जब रिश्ता तय कर दिया तो विवाह भी कर ही लेंगे। ठाकुर जी बोले मन मन भावे और मूड हिलावे, मन में तो आ रही है लेकिन ऊपर से सिर हिलाया जा रहा है कि नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ऋषि कर्दम बोले महाराज विवाह तो करेंगे लेकिन एक पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन त्याग, और दूसरा महाराज कि पुत्र रूप में आप ही आए।